ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट न्यूज के साथ। आज दिल्ली लाया जाएगा दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। शुक्रवार को अंतिम दर्शन के बाद दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। संसद में रक्षा मंत्री आज जारी करेंगे बयान। जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त की संवेदनाएं। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया शोक। विपक्षी नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक। अमेरिकी दूतावास ने कहा, जनरल रावत ने भारतीय सेना में परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर का किया था नेतृत्व। हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग, हादसे में 13 की गई जान। अस्पताल में कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी। कन्नौज पहुंचे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, हादसे वाली जगह का लिया जायजा। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच जारी। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने की बैठक। सरकार के नए प्रस्ताव पर बनी सहमति। आंदोलन वापस को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा लेगा फाइनल फैसला। किसानों पर कांग्रेस का सरकार घेरो प्लान। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने उठाया किसानों की मौत का मुद्दा। केंद्र सरकार को ठहराया संदेश असंवेदनशील। संसदीय दल की बैठक में गुंजा सांसदों के निलंबन का भी मुद्दा। सोनिया बोली, 12 सांसदों का निलंबन अस्वीकार्य और नियमों के खिलाफ। इस मसले पर एकजुटता के साथ खड़ी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश की संपत्ति को बेचने में लगी मोदी सरकार। पीएसयू को केंद्र सरकार ने कर दिया खत्म। सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में महंगाई का भी किया जिक्र। कहा, लगातार बढ़ रही चीजों के दाम ने आम लोगों की तोड़ी कमर। हर परिवार का बिगड़ा मासिक बजट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, महंगाई बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या। सभी समस्याओं की जड़ एक ही है, मोदी सरकार का अहंकार। यूपी चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का महिला कार्ड का दाव। लखनऊ से जारी किया महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र। दुर्गा स्तुति के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में सरकार बनने पर देंगे 8 लाख महिलाओं को रोजगार। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की भी होगी नियुक्ति। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर फ्री देने का किया ऐलान। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज का भी वादा। चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया। कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीति में भागीदारी जरूरी। यूपी में लाल टोपी की लड़ाई संसद तक आई। टोपी पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रही मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, लाल क्रांति और परिवर्तन का रंग, बीजेपी के लोग इसे नहीं समझ सकते। मथुरा को लेकर जारी चुनावी दंगल। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान, कृष्ण का मंदिर अगर मथुरा में नहीं तो क्या पाकिस्तान के लाहौर में बनेगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, कृष्ण की नगरी मथुरा में किया जाएगा भव्य मंदिर का निर्माण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर दे चुके बयान। ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से की वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की पैरवी। कहा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की भी इजाजत दी जाए। आदित्य ठाकरे की केंद्र सरकार से मांग का, वैक्सीनेशन के लिए योग्यता की उम्र सीमा घटाकर 18 से 15 की जाए। वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को भी कम करने की सिफारिश की। आदित्य ठाकरे ने डॉक्टरों से अपनी बातचीत का दिया हवाला। कहा, दोनों डोज के बीच के अंतर को घटाकर करना होगा 4 हफ्ते। नए वेरियंट के प्रसार को रोकने के लिए बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी। आदित्य ठाकरे ने दी जानकारी। कहा, मुंबई में सभी योग्य लोगों को लग चुकी वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 73% लोग ले चुके हैं सेकेंड डोज। 57 देशों में फैला ओमाइक्रॉन वेरियंट, WHO ने दी चेतावनी। कहा, लगातार बढ़ रहे अस्पतालों में कोविड के मरीजों की संख्या। WHO ने कहा, टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ओमाइक्रॉन से ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी। महाराष्ट्र से राहत की खबर, ओमाइक्रॉन से संक्रमित प्रदेश के पहले मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी।
ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, आइसोलेशन एरिया में मरीजों के इलाज की इजाजत। ब्याज दरों में फिर आरबीआई ने 9वीं बार नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट को 4% तो रिवर्स रेपो रेट 3.5% बरकरार, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी इस बात की जानकारी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के खतरे से बाद जीडीपी ग्रोथ में बनी रहेगी तेजी, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर कायम। शक्तिकांत दास ने कहा देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मंडरा रहा खतरा, हालांकि महामारी से निपटने के लिए देश को बताया पूरी तरह से तैयार। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी ने पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने किया जग जाहिर, कहा पाकिस्तान ही आएगा हरकतों से बाज, करता रहेगा आतंकवाद को प्रायोजित। वायुसेना अध्यक्ष विवेक चौधरी ने कहा पाकिस्तानी सेना ने युद्ध को लेकर किया तरीका अख्तियार, कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने से कभी बाज नहीं आ सकता या आएगा पाकिस्तान। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने, 24 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटों में 8000 केसेज, 9000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक दिन में 195 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,76,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,71,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 700 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 66 लाख के पार, 10,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7 नए केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 130 से ज्यादा, तो वहीं पर मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 500 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,93,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 6 नए केसेस, कुल मामले 7 लाख के पार, 20 लोगों का इलाज जारी। हरियाणा में 24 नए केसेस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक करीब 7,61,000 लोगों की रिकवरी, 208 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 54 नए केसेस, कुल आंकड़ा 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 700 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 129 करोड़ के पार। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी खुलेआम धमकी, अकाउंट के बेटे संतोष कुमार के मंत्रालय को दे 1,000 करोड़ रुपए का फंड, नहीं तो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा संतोष सुमन को उन्होंने 1,000 करोड़ का एस्टिमेट बनाकर रखने का दिया था आदेश, अगर नीतीश कुमार से पैसे नहीं मिले तो वो महागठबंधन में हो जाएंगे शामिल। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जल्द भेजेगी शहनाई, छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी तय, दिल्ली में आज सगाई समारोह। तेजस्वी यादव की सगाई में सिर्फ परिवार के सदस्य ही रहेंगे मौजूद, 40 से 50 लोगों के आने की अनुमति, हालांकि अभी तेजस्वी की होने वाली दुल्हनिया का नाम नहीं आया सामने। मोतिहारी में आरजेडी के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह और उनके बॉडीगार्ड की गुंडागर्दी आई सामने, साइड नहीं देने पर बॉडीगार्ड ने बाइक सवार को जमकर पीटा, पूर्व विधायक जी बस देखते रहे। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह के बॉडीगार्ड ने युवक से की बदसलूकी, घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी, हालांकि मामले में एसपी ने दी कार्रवाई के आदेश। नागालैंड हिंसा को लेकर नया खुलासा, गोलीबारी की आवाज सुन मौके पर पहुंचे चश्मदीदों के मुताबिक मारे गए लोगों के कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे थे जवान। मृतकों के परिजनों ने पूछा पहचान में गलती की वजह से की गई फायरिंग, तो कपड़े बदलने की क्यों हो रही थी कोशिश, नागालैंड हिंसा में कुल 14 लोगों की हो चुकी मौत। गृहमंत्री अनिल विज को राहुल गांधी को नसीहत, कहा किसानों की केंद्र से बातचीत जारी, किसी फीसले को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, किसानों की मांगों पर बोले विज, आंदोलन अब समाप्ति की ओर। आप नेता नवीन जय हिंद के भर्ती घोटाले के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया पलटवार, कहा जय हिंद की बातों का नहीं होता सरपैक। शिक्षा मंत्री बोले जय हिंद चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा जिस जिले से वो रहते हैं
वहां उनकी कितनी है साख। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले शिक्षा मंत्री, एकाध सरकार ईमानदारी से कर रही अपनी काम, आज बिना पर्ची खर्चे के मिल रही हरियाणा में नौकरियां। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की बनाई रणनीति। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, हरियाणा में परचून की दुकान की तरह बेची जा रही नौकरी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। एचपीएससी भर्ती मामले में बर्खास्त हुए अनिल नागर को लेकर बोले हुड्डा, अनिल नागर को बर्खास्त कर मामले को क्या जा रहा दफा दफा, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए मामले की जांच। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा बयान, हरियाणा के अस्पतालों में खाली पड़े 70% डॉक्टरों के पद, प्रदेश को 1978 डॉक्टरों की जरूरत, जबकि अस्पताल में केवल 669 डॉक्टर की मौजूद। गुरुग्राम में टीएमसी नेता अशोक तंवर की अध्यक्षता में खोला गया टीएमसी ऑफिस, हरियाणा प्रभारी सुखेंद्र शेखर भी मौजूद रहे। हरियाणा प्रभारी सुखेंद्र शेखर राय ने की मीडिया से बातचीत, कहा हरियाणा के सभी 22 जिलों में जल्द खोले जाएंगे टीएमसी के कार्यालय, ममता दीदी ने बदली राजनीति की परिभाषा। सुखेंद्र शेखर का बयान, हमारे संपर्क में विपक्षी पार्टियों के कई नेता, जल्द सभी टीएमसी में होंगे शामिल। एचपीएससी भर्ती मामले में हरियाणा सरकार ने अनिल नागर को किया बर्खास्त, अनिल नागर पर रिश्वत लेकर लोगों को भर्ती कराने का लगा था आरोप। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बर्खास्त करने के लिए दिया आदेश, एचपीएससी में रिश्वत भर्ती को लेकर रोहतक में तमाम टीचर्स और कोचिंग संचालकों ने की बैठक। बैठक में आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार भी रहे मौजूद, बैठक के दौरान सभी की सहमति से एक कमेटी का किया गया गठन। बैठक के बाद लिया गया फैसला, 10 दिसंबर को सभी कोचिंग सेंटर के संचालक और टीचर्स मिलकर करेंगे प्रदर्शन, रिश्वत से हुई भर्तियों को रद्द करवाने की करेंगे मांग। नारायणगढ़ के अंबेडकर भवन में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले का आयोजन, 700 लाभार्थियों ने मेले में रहे मौजूद, 18 विभागों की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। मेले में मौजूद एसडीएम ने मीडिया से की बातचीत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की आय में बढ़ोतरी करवाना मेले का उद्देश्य, आगे भी किया जाएगा मेले का आयोजन। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर तो शाम से 70 किसानों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना, 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज बस अड्डे में बने कार्यालय की हालत खराब, जर्जर कार्यालय के नीचे काम करने को मजबूर कर्मचारी, कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों पर लगाए आरोप, कहा कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई, जर्जर छत गिरने का हमेशा बना रहता है डर। राय में धरने पर बैठे बालगढ़वासी, नेशनल हाईवे 334 बी पर अंडरपास बनाने को लेकर की गई मांग। बस्ती वालों ने प्रशासन से कहा उन्हें जल्द से जल्द बस्ती तक आने जाने का दिलवाया जाए रास्ता, हर मांग नहीं मानने पर पलायन करने की दी चेतावनी। पीड़ित बस्ती वासियों ने बताया बस्ती में सरकार की तरफ से दिए गए प्लाटों पर रह रहे करीब 150 परिवार, नेशनल हाईवे निकलने की वजह से बस्ती में आने जाने का रास्ता हुआ बंद, रास्ता न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी, तो वहीं पर अतिरिक्त मिट्टी और निर्माण कार्य की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतें। करनाल में दहेज मामले ने पकड़े तूल, हरियाणा महिला आयोग ने लिया संज्ञान, मीडिया से मिली जानकारी के बाद पहुंची करनाल। महिला आयोग के चेयरमैन प्रीति भारद्वाज ने लोग दोनों पक्षों से की बातचीत, मौके पर डीएसपी भी रहे मौजूद, प्रीति भारद्वाज ने इस घटना को बताया शर्मनाक। डीएसपी अभिलक्ष्य ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, लड़की के बयान के बाद की जाएगी आगे की तफ्तीश। करनाल में महात्मा गांधी चौक के पास एक परिवार ने किया हंगामा, सड़क पर पति पत्नी ने की मारपीट, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामला करवाया जांच। महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का लगाया आरोप, पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर शुरू की जांच। सोनीपत के राय में पर्यावरण नियमों की उड़ी ध्वजियां, एनजीटी के आदेश के बावजूद जल रहा कूड़ा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने कहा करेंगे कार्रवाई। मंडी में जयराम सरकार के 4 साल के जश्न की तैयारियां शुरू, जश्न में पीएम मोदी के सभी शामिल होने की उम्मीद, आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पंडल मैदान में जुटेंगे 25,000 लोग।
नीति आयोग की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर का बयान, बोले हिमाचल को उदार वित्तीय मदद की है जरूरत। नए रथ में सवार हुए बनोगी के अधिष्ठा देव पुंडरिक ऋषि, देव कारज में ना पहुंचने पर सीएम ने की फोन पर बातचीत, संदेश दिया बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के विशेष प्रयासों के बाद हिमाचल के सभी जिलों में बनेंगे खेलो इंडिया सेंटर, खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिलासपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में एडीजीपी ने सौंपी जांच रिपोर्ट, अब डीजीपी संजय कुंडू रिपोर्ट का अध्ययन कर करेंगे आगामी कार्रवाई। दशकों तक हिमाचल की राजनीति में सक्रिय रही कांग्रेस नेत्री विद्या स्टोक्स का जन्मदिन, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत बड़े नेताओं ने दी बधाई। बारिश बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बरकरार, 109 सड़कों पर अभी भी आवाजाही ठप, लाहौल स्पीति में 102 किन्नौर में 4 सड़कें बंद, तो कुल्लू जिला और चंबा में भी एक एक सड़क बंद। और गसाई में सड़कों की समस्या को लेकर पांवटा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और सीओसी के अध्यक्ष सतीश गोयल ने की उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत, मुलाकात की, सड़कों की खस्ता हालत को लेकर अवगत करवाया। चीन को एक और झटका, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार, तो वहीं कनाडा भी कर रहा विचार। पुतिन और बाइडेन ने की वर्चुअल मीटिंग, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालने पर रहा फोकस, अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा। रोहिंग्या मुसलमानों ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म पर किया केस, 15,000 करोड़ डॉलर का मांगा हर्जाना, नफरत को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, सरकार को दी सलाह, कहा स्कूली बच्चों के लिए सामूहिक टीकाकरण पर विचार करने की जरूरत। दक्षिण अफ्रीका में बिगड़े हालात, अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या एक दिन में हुई दोगुनी। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ले सकते हैं संन्यास, कोच के तौर पर शुरू कर सकते हैं नेपाल आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने की उम्मीद। टी20 के बाद वनडे की कप्तानी भी करेंगे रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका दौरे में रोहित की कप्तानी में खेलेंगे कोहली, सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ चयन। साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम घोषित, भारत सीरीज के लिए डीन एल्गा होंगे कप्तान, तो वहीं पर डुआना ओलिविया की हो रही वापसी। घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक, फिटनेस की समस्या को देखते हुए फैसला लिया गया, इन दिनों रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में गुजर रहे हैं हार्दिक पांड्या। विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे महाराष्ट्र टीम की कप्तानी, 20 फरवरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेटेड खिलाड़ियों का ऐलान, पाकिस्तान के आबिद अली, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का नाम शामिल। शादी के तुरंत बाद वेकेशन पर नहीं जाएंगे विक्की कैटरीना, अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग फिर से करेंगे शुरू। अंबानी के राह पर चले विक्की और कैटरीना, शादी की सीक्रेसी के लिए इस्तेमाल कर रहे डिजिटल मीडिया सिक्योरिटी स्टिकर। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस की रिलीज डेट आई सामने, साल 2022 में दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर कसा कानूनी शिकंजा, 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ईडी के सामने पेशी।